बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव मुझे आपके साथ मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट यह है कि आज भाइयों के साथ मैं शेयर करूंगा आईफोन 11 प्रो मैक्स गोल्ड कलर में अवेलेबल है, यूजल में है, सऊदी अरब की मार्केट वगैरह में इसका क्या प्राइस है, ये आपके साथ अभी मैं वीडियो डिटेल से शेयर कर देता हूँ। मोबाइल भी आपको दिखा देता हूँ। आप भाइयों के साथ जो मेरे इस चैनल के ऊपर मेरी मोबाइल्स की वीडियो देखते हुए मेरी दूसरी वीडियो जो न्यूज के मुतल्लिक आती है सऊदी अरब की न्यूज के मुतल्लिक उसको भी देखते हैं, आप सब भाइयों को मेरी तरफ से बाई आपको मैं सलूट पेश करता हूं और आप भाइयों से माजरत भी करता हूं यार, किस चीज को लेकर कि यार मोबाइल की वीडियो काफी देर बाद आप भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि कुछ मसले ही ऐसे थे। मैं न्यूज की वीडियो तो आप भाइयों के साथ रोजाना की बेस पर शेयर कर रहा हूं, लेकिन मोबाइल्स की वीडियो में अभी कुछ दिन तखीर हो रही है, इसके लिए मैं आप सब भाइयों से माजरत ख्वाह हूं। जल्द ही मैं अपनी रूटीन को बहाल करूंगा, लेकिन वीडियो के आखिर में आपको भाई मैं एक चीज और बता दूंगा, देखते रहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फिर आईफोन 11 प्रो मैक्स के साथ जो कि यूजेबल में है। ये रखा जी आपके सामने आईफोन 11 प्रो मैक्स गोल्ड कलर में अवेलेबल है, यानी कि यूजेबल में है भाई, सऊदी अरब की मार्केट वगैरह में इस कंडीशन का मोबाइल गोल्ड कलर में। स्टोरेज वाइज सब डिटेल आप भाइयों के साथ शेयर कर देता हूँ इसी वीडियो में, कितने तक का सेल हो रखा है। सॉरी तो मैं आप भाइयों से कर ही चुका हूँ पहले ही कि इतनी देर बाद भाई मोबाइल की कोई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो अगर इसके डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले इसका 6.5 इंच का डिस्प्ले है, एक लार्ज टाइप बड़े टाइप का डिस्प्ले रखा जाता है, मेरे हिसाब से बेस्ट है ये डिस्प्ले। आईफोन 12 प्रो मैक्स में भी भाई यही डिस्प्ले रखा गया, यानी कि इसी हिसाब से इसी 6.5 इंच का बड़ा डिस्प्ले रखा गया है। अभी बैक कैमरों की बात करें, तीनों 12 मेगापिक्सल की आप 4K 180+ वीडियो भी इनसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैक कैमरों के मिरर चेक करेंगे, बिल्कुल ओके है, इनके ऊपर कोई खराश का कोई दाग धब्बे का निशान मैं नहीं दे रहा हूं। जो साइडों पर कलर इस्तेमाल किया गया है गोल्ड कलर, वो भी बिल्कुल ओके पड़ा हुआ है। नीचे एपल वालों का लोगो देख लेते हैं, एपल वालों का लोगो के ऊपर भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं देख रहा हूं मैं, कोई खराश का निशान जो दाग धब्बे का निशान। बैक साइड से भी मैं मोबाइल को भाई पूरा चेक कर रहा हूँ, कहीं कोई मुझे निशान जाहिर हुआ तो वो आप भाइयों के साथ क्लोज करके आप भाइयों को जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी तक इसमें कोई किसी किस्म का बैक साइड पर मैं नहीं देख रहा हूं मसला। कैमरों के मिरर वगैरह नीचे पर लोगों को बिल्कुल ओके है जी। अभी चलते हैं नीचे, स्पीकर ग्रिलिंग चार्जिंग की जगह स्पीकर ग्रिलिंग बिल्कुल ओके है, हल्की फुल्की धूल होती है जी यूजेबल मोबाइल में, ये कोई मसला नहीं है। चार्जिंग की जगह रिप्लेसमेंट नहीं है जी, ये बिल्कुल अच्छी और गुड कंडीशन में बड़ी हुई है, आप यही अंदाजा कीजिए भाई। साइडों से मोबाइल को देखते हैं, कोनों से चेक करते हैं, मोबाइल अगर गिरा हो भाई किसी के हाथ से, चाहे किसी गाड़ी के डोर में ही क्यों ना गिरा हो, मोबाइल भाई बता देता है, कहीं ना कोई 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 ना कोई ऐसा निशान जरूर छोड़ता है जिससे पता चल जाता है कि ये मोबाइल भाई गिरा हुआ है। तो बैक साइड से तो मोबाइल बिल्कुल ओके है, इसमें कोई किस्म का मसला नहीं है, लेकिन नीचे वाले कोनों के ऊपर मैंने एक दो निशान देखे हैं हल्के फुल्के, वो कोई मसला नहीं है जी, वो कहीं किसी बच्चे ने या किसी कवर के बगैर कहीं यूज किया गया, लेकिन वो कोई मसला नहीं है। अभी बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के मुतल्लिक, आप सबसे पहले सेल्फी कैमरा और ऊपर वाली स्पीकर ग्रिलिंग चेक करेंगे, सेल्फी कैमरा बिल्कुल ओके है, ऊपर वाली स्पीकर ग्रिलिंग भी बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं है। आप भाई के साथ इसकी बैटरी हेल्थ भी आपको यहां पर चेक करवा देता हूं और इसका डिस्प्ले भी आपको अच्छे से चेक करवाऊंगा, क्या डिस्प्ले में तो भाई कोई मसला नहीं है। बैटरी हेल्थ यहां पर आप देख रहे हैं, बैटरी ताकत बोल रहे हैं आप, 86% है, यानी कि 86% अभी भी गुड कंडीशन में पड़ी हुई है, अगर ये 90% होती तो बेस्ट थी मेरे हिसाब से, लेकिन ये भी बहुत अच्छी आपको एवरेज देगी, यानी कि वन डे तो ईजी चलेगी यार। 4000 mAh में वैसे भी ओरिजिनल आईफोन की तरफ से बैटरी रखी जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो भाई डिस्प्ले बिल्कुल ओके है, डिस्प्ले कोई दाग धब्बे का कोई चोट का कोई निशान कोई ब्लैक डार्ट्स वगैरह कोई किसी किस्म का मसला नहीं है इसमें। अगर आपको भाई स्टोरेज वाइज न्यू के प्राइस की बात करें तो वो आपको भाई 400+ में मिलेगा स्टोरेज वाइज, बाकी प्राइस होते हैं न्यू की मोबाइल की, मैं आपके साथ भी एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आज बहुत जल्द ही उसकी भी वीडियो यानी कि इसके न्यू प्राइस की भी शेयर कर दूंगा। यहां पर आपको मैं भाई ये बता दूं ओप्पो वालों के बहुत से मोबाइल्स की एक साथ वीडियो भी इंशाल्लाह ताला भाई के साथ जल्द शेयर करूंगा, और अपने दूसरे चैनल के ऊपर आईफोन 6+ की मैं एक वीडियो यूजेबल में है जी बहुत अच्छी कंडीशन में है उसकी शेयर कर चुका हूं। आप भाई उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, वहां से जाकर मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं इसके प्राइस के मुताबिक, ये भाई 256 GB स्टोरेज वाला आईफोन 11 प्रो मैक्स गोल्ड कलर में यूजेबल में सऊदी अरब की मार्केट वगैरह में इस वक्त ये शॉप वाला 2,929 रियाल मांग रहा है इसके, यानी कि 100 रियाल कम 3,000 से। तो मैंने उसको बोला इसमें कोई प्यार मोहब्बत हो जाएगी तो बोलता हो जाएगा, मेरे हिसाब से अगर आपको ये 2,500-2,600 के अराउंड में मिल जाए तो बेस्ट है जी, आप एक साल दो साल यूज करने के बाद भी सेल करेंगे तो 1,800 से 2,000 के अराउंड में ये सेल हो जाएगा ईजिली। तो बाकी आप भाई मुझे कमेंट में इसके प्राइस बता भी सकते हैं, और किसी मोबाइल की वीडियो देख रही हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी चीज का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।